की है जब भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। अब तक समाज 4 वर्ण व्यवस्था में बट चुका था। वैशाख पूर्णिमा के दिन शाक्य वंशीय क्षत्रिय राजा सुदोधन और माता माया देवी के घर में दीपक रूपी राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। पिताजी, वैशाख पूर्णिमा क्या होती है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख एक महीने का नाम है और पूर्णिमा मतलब वह रात जिसमें पूरा चांद निकलता है। अरे अरे, बहुत अच्छी बातें बता रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है क्या? पता है तुम्हें, पता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध जी को 3 चीजें प्राप्त हुई थी। कौन सी 3 चीजें तुम्हें पता है? उनके ये 3 चीजें हैं ज्ञान, इसी दिन उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था और उनको महान बुद्धि भी इसी दिन प्राप्त हुई थी। अरे वाह मम्मी, आपको तो बहुत कुछ पता है। बच्चों, गौतम बुद्ध थे ही इतने अच्छे। और बच्चे, तुम्हें पता है गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व पर लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष राष्ट्र श्री शांत शौकत में बिताए। बच्चों, मैं भी कुछ बताऊंगी। हाँ बोलो मम्मी, बोलो। बच्चों, तुम्हें पता है राजा सुदोधन से ब्राह्मणों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यदि उन्हें ज्ञान से वंचित रखा तो वे संत बन जाएंगे। और बच्चों, तुम्हें पता है उनको तो महल से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। क्यों मम्मी? अरे बच्चों, वो बहुत राजा के पुत्र थे और बच्चों तुम्हें पता है राजा सुदोधन ने उनके लिए 3 महल बनवाए। 3 महल मम्मी? 3 महल? हाँ बच्चों, 3 महल। और तुम्हें पता है बच्चों वो कौन से महल थे? गर्मी, सर्दी एवं वर्षा ऋतु है बच्चों, उनके बगीचे में एक सूखा पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। सूखा पत्ता क्यों नहीं मिलता था मम्मी? बगीचे में तो कितने सूखे पत्ते मिलते हैं, पर उनके बगीचे में क्यों नहीं मिले मम्मी? अरे बच्चों, क्योंकि सूखे पत्ते को देखकर उनके मन में दुख पैदा होता और दुख से वे सन्यास धारण कर लेते। इसीलिए राजा सुदोधन ने सिद्धार्थ को सभी दुखों से दूर रखा। अरे वाह मम्मी, आपको तो बहुत कुछ पता है। हाँ बच्चों, हमारे तो हाल ही कुछ ऐसा। नमस्ते बच्चों, यहाँ पर तो गौतम बुद्ध जी के बारे में बातें चल जाए, चलो मैं भी कुछ बताता हूँ। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु थे, चाहे पशु हो या पक्षी, सबके प्रति दया दिखाते थे और दया का भाव रखते थे। देवदत्त उनका चचेरा भाई था। चलो भैया, आज हम बच्चों को गौतम बुद्ध पूर्णिमा के बारे में कहानी सुनाते हैं। हाँ हाँ, चलो सुनाते हैं। एक बार की बात है, चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर मार दिया और वह लहूलुहान हो गया और अचानक शांत बैठे सिद्धार्थ के पास आकर गिरा। उन्हें उसे देखकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने उसे उठा लिया। हाँ भैया, सिद्धार्थ ने उसका तीर निकाला और उस पर मरहम लगाया। इतनी ही देर में देवदत्त आ जाता है और कहता है, यह हंस मेरा है, मुझे वापस दो, देखो यह मेरा ही तीर है। तभी सिद्धार्थ बोले, यह मेरा हंस है क्योंकि मैंने इसे बचाया है। दोनों में इस बात को लेकर काफी बहस होती है और इस संबंध में वह न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार भी जाते हैं। सुदोधन ने पहले मंत्री से सारी बात जानी और फिर देवदत्त से पूछा, यह हम तुम्हारा कैसे हुआ? फिर उसने कहा, इसे मैंने मारा है तो यह मेरा हुआ। और सिद्धार्थ बोले, इसने मैंने बचाया है इसलिए यह मेरा हुआ, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ऐसे थे गौतम बुद्ध जी के उपदेश। अरे पिताजी, आपको तो बहुत कुछ पता है। चाचा, मुझे एक उपदेश याद आया। बताओ। क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से वह एक शब्द जो जीवन में शांति लाता है। अच्छा चाचा, मुझे भी याद आया। बताओ। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। चाचा, मुझे भी एक उपदेश याद आया। बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता, घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। वाह बच्चों, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। चलो मैं भी कुछ बताता हूँ। कभी भी इन 3 चीजों को कभी नहीं छिपाया जा सकता है और वह है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। आओ चलो बच्चों, आज हम गौतम बुद्ध जी के जन्मदिन पे उनका वो नमन करें।
शरणं गच्छामि। शरणं